आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रून, आज का हमारा क्वेश्चन है, मानव जीनोम सीक्वेंसिंग हेतु उपयोगी किए जाने वाला सामान्य वाहक है। हमारे पास चार ऑप्शन, सबसे पहला टीए क्लोनिंग वाहक, दूसरा टीडीएनए वाहक, तीसरा बीएसी एवं वाईएसी और चौथा अभ्यक्ति वाहक। सबसे पहले समझते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है। मतलब एक कोशिका में उपस्थित जो जीनों की संख्या होती है उसे जीनोम बोलते हैं। तो मानव जीनोम बोला गया है, मतलब डीएनए में, ठीक है, डीएनए में यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं या नाइट्रोजनस क्षार कह सकते हो, डीएनए में नाइट्रोजनस क्षार के स्थान का, ठीक है, स्थान का पता लगाना, ठीक है, पता लगाना मतलब कौन सा नाइट्रोजनस क्षार या न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे है, इसी को सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो इसके लिए ये ऐसे नहीं होता, इसके लिए वाहक उपयोग में लाए जाते हैं जिससे वाहक में इनको जोड़ा जाता है और पता लगाया जाता है। तो इसके लिए उपयोग किए जाने वाले वाहक हैं बीएसी एवं वाईएसी, ठीक है। बीएसी यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाईएसी यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये बहुत बड़े कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड के सर्कुलर कह सकते हो संरचना होती है, इसे वाहक बोला जाता है। और इसीलिए ये बड़े अनुमान जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसीलिए इनका मानव जीनोम सीक्वेंसिंग में उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज्यादा जीन को एक साथ ले जा सकते हैं दूसरी जगह पर, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले टीए क्लोनिंग वाहक यानी थायमिन एडेनिन क्लोनिंग वाहक, तो ये नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। दूसरा टीडीएनए वाहक, तो या कह सकते हो थर्मल सिक्योरिटी के से नहीं हो सकता, ये जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस होता है उसमें ये उसी का कह सकते हो, उसके अनुवांशिक पदार्थ का या वाहक जो होता है वहाँ उसका थर्म एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस का उसका एक पार्ट होता है जिसे टीडीएनए बोलते हैं, जो कि पौधों में ट्यूमर उत्पन्न करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बीएसी, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा अभ्यक्ति वाहक, मतलब जो वाहक किसी जीव में अपना एक्सप्रेशन यानी अभ्यक्ति करता है उसे अभ्यक्ति वाहक बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा, फर्स्ट सेकंड फोर गलत हो जाएगा। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।